हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपडेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अपडेट्स उन सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी जिन विद्यार्थियों की परीक्षा सीबीटी यानी एनसीबीटी की परीक्षा होनी है और दूसरा जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया था और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी दिया था, यानी दो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं और तीन एग्ज़ाम हैं वो प्रिय विद्यार्थियों आपके पेंडिंग हैं, जो कि विभाग के द्वारा सीबीटी आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं डीजीटी के द्वारा सीबीटी एग्ज़ाम के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है और ये गाइडलाइन जानना प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही कंपल्सरी है और इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत ज़्यादा इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए टाइटल में दिया हुआ है AITT, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट और CBT जर्नल गाइडलाइन स्टूडेंट्स। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम जानेंगे भी टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, समय कितना रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो सारा स्टेप बाई स्टेप प्रिय विद्यार्थी इसमें हम जानेंगे। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन जो रहेंगे स्क्रीन पर, वो चार ऑप्शन मिलेंगे और मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपको चुनना है। उसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उनके जो सभी जो मार्क्स रखे गए हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन का जो आंसर जो रहेगा वो 2.5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना, यानी ढाई नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो आइए जानते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, यानी 3 घंटे का आपका समय रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आपसे 80 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है ना, जिसमें से थ्योरी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 40 रहेंगे, ठीक है। उसके लिए जो समय मिलेगा आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। उसके बाद में ES, ठीक है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेगा आपके लिए 45 मिनट का। वर्क कैलकुलेशन है साइंस के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम रहेगा 45 मिनट का। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ना। तो आइए अब जानते हैं थ्योरी के बारे में। तो ये देखिए ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थ्योरी के क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 40 रहेंगे। टोटल नंबर कितने रहेंगे, 100 नंबर का होगा और समय कितना रहेगा, 1.5 घंटे का। उसके बाद में देखिए वर्क कैलकुलेशन एंड साइंस और प्लस ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 1 ईयर ट्रेड के लिए रहेगा, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है उसमें ES नहीं होती, वो ओनली फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए रहती है। जिसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 40 रहेंगे। 40 कैसे हैं, क्योंकि वर्क कैलकुलेशन के भी 20 क्वेश्चन हैं और ES के भी हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 100 का होगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद में देखिए ES, ठीक है ना, और ये फर्स्ट ईयर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा और समय मिलेगा आपको 45 मिनट का। वर्क कैलकुलेशन का देखिए, ठीक है, सेकेंड ईयर 20 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का रहेगा और टाइम रहेगा 45 मिनट्स। तो आइए जान लेते हैं, ये देखिए आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर सी पे थोड़ा फोकस करिए। इसके अंदर क्या रहेगा आपका, थ्योरी का एग्ज़ाम और ES का और वर्क कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। तो ये पेपर आपका कंबाइंड होगा, जिसके अंदर आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें थ्योरी का 40 नंबर का, ES का 20 का और वर्क कैलकुलेशन का भी 20 का। समय कितना रहेगा आपके पास, 3 घंटे का। उसके बाद में देखिए ये जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, तो उसमें आपको क्या काम करना है, जैसे आपको उसकी होम स्क्रीन के ऊपर आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको लॉगिन करना है, क्योंकि वह इनविजिलेटर होगा, वो आपको उसके बारे में गाइडलाइन देगा, तो उसी के अनुसार आपको चलना है। उसके बाद में देखिए आपकी जो आपको जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो 30 मिनट आपको पहले पहुंचना है, ठीक है। और उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपकी आपका जो परीक्षा है वो जल्दी होने वाली है, NCVT विद्यार्थियों की जो परीक्षा जो रहेगी, उसके बाद में देखिए कुछ गाइडलाइन और जारी की गई है, आपको उनको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ठीक है, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ठीक है ना, हेल्थ बैंड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्योंकि COVID-19 चल रहा है, उसके लिए आपको प्रबंध करके जाना है, मास्क सभी विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। दूसरा, पानी की जो बोतल है वो भी आपको साथ में ही लेके जानी, ठीक है, वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप रख सकते हो, क्योंकि COVID-19 है, इसका आपको पूरा अच्छी तरह ध्यान रखना है और विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाएगी उसको आपको अच्छी तरह पालन करना है। उसके बाद में हम जानते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हम जानेंगे
जो एग्ज़ाम रहेगा दोनों लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, इसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ये कलर बताए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। चार तरह के कलर मिलेंगे, एक तो आपको एच का मतलब ये जो पॉइंट जो है ना यहाँ पे ऐसे रेड यानी राउंड के अंदर आपको मिलेंगे, एक तो हरा मिलेगा, उसके बाद में नीला मिलेगा, ठीक है ना, गहरे ब्राउन रंग मिलेगा आपको, ब्रंट नीला मिलेगा, चार मिलेंगे, ठीक है ना। तो आइए इन चारों के बारे में हम जानते हैं स्टेप बाई स्टेप। उसके बाद में है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद में चलो यहाँ से समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये देखिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए आपके मान लीजिए कि थ्योरी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह के बॉक्स में आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है ना, इस तरह स्क्वेयर मिलेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इस तरह की स्क्रीन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि भी हमने ये क्वेश्चन कर दिया है, यानी इसमें बताया गया भी 30 नंबर जो क्वेश्चन है मैंने कर दिया है। पहला क्वेश्चन हमें ऐसा दिखाई दे रहा था जो कि स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद क्लिक करने के बाद में इस तरह का कलर हो जाता है। उसके बाद में देखिए 10 जो दिया हुआ है फ्लैग्ड, ठीक है, इस तरह का जो कलर है प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन रीड किया और आपको ये लग सकता है भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपको लग रहा है भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके आप उसके ऊपर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फ्लैग्स जो रहेगा ऑप्शन उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का कलर होने के बाद में ये अगर आप ऑप्शन चुनते हो तो लास्ट में जो, क्योंकि आपने इसके ऊपर रिव्यू ले लिया एक तरह का, और फाइनल जब इसको सबमिट करोगे तो इसके अंक आपके माने जाएंगे, ठीक है ना। आपको दोनों बेनिफिट इसमें ये रहता है, भी इसका आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये क्वेश्चन आपका कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में देखिए 11 नंबर में चलते हैं, ठीक है ना। तो ये 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए कलर कौन सा हो गया, ठीक है ना, ब्लू जो कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उस पर रिव्यू ले लिया। रिव्यू का मतलब भी एक बार आपने देख लिया है, आपको लग रहा है यार मुझे नहीं आ रहा है इसके बारे में, तो आपको क्या करना है, रिव्यू करना है, और ये लास्ट तक आपको ये कलर दिखाई देगा उसको आप दोबारा कर सकते हो। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ये जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला रिव्यू अगर आपने ले लिया है तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा आपका, इसके जीरो मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको खाली देखने के लिए है, भी आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये चार जो मैंने बताए हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ये जो क्वेश्चन जो है प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर कॉर्नर के अंदर आपको इस तरह के ये चारों निशान मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि भी ये जो आपने जो किया है क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, तो ये भी आपको पता चलेगा भी आपने कितने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे शो हो जाएगा भाई आपने 40 में से 15 करें या 10 करें, इससे पता चलेगा। दूसरा अटेम्प्ट क्वेश्चन भी आपको शो करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, भाई आपने 40 में से 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद में ये जो निशान दिया फ्लैग्ड वाला, तो उसमें से ये पता चलेगा भाई आपने 5 क्वेश्चन के ऊपर ये 50-50 लगाया हुआ है। उसके बाद में रिव्यू वाला है ये यहाँ पे मिलेगा, भाई आपने 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हुए हैं जो कि आप उनको बाद में देखना चाहते हैं। तो ये था दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर टाइमलाइन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हो भी कितना समय आपके पास बचा है। उसके बाद में देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, देखिए ये जो मैंने बताया था ये खाली है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 10 वाला देखिए इसने क्या कर लिया यहाँ पे, 50-50 कर लिया, क्योंकि ये कलर करने से आपका, ये पॉइंट दबाने से, इस बटन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें जो अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन एवलेशन में जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो 30 नंबर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह कर लिया, यानी वो फाइनल आंसर है। 21 नंबर देख सकते हो और 11 नंबर देख सकते हो, इस पर आपने रिव्यू लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। उसके बाद में देखिए जो आपकी स्क्रीन होम स्क्रीन चलेगी उसके ऊपर देखिए, लास्ट के 5 मिनट्स अगर रहेंगे तो इस तरह की पट्टी वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। इसका मतलब है कि लास्ट 5 मिनट बचे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको करना है आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में फिर 2 मिनट का समय रहेगा, तो इस तरह का टॉप जो स्क्रीन है इस तरह के टाइमर सेक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इन दोनों को आपको भी ध्यान में रखना है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट से गाइडलाइन थी डीजीटी के द्वारा आई हुई, तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है भी ऐसे ऐसे आपका एग्ज़ाम होगा, इतने नंबर के होंगे, इतने क्वेश्चन होंगे। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। दूसरा, प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी विद्यार्थियों के कॉमेंट आए हुए थे, कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन भी किए, सर हमारी जो परीक्षा है वो कब होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई डेट वगैरह ऐसा कुछ लेटेस्ट नोटिस या डेट शीट जारी नहीं की गई है, ठीक है ना। तो आपकी जो वो जो फैक है के चल रहा था, ठीक है ना, तो उसमें भी मेंशन किया हुआ था कि एनसीवीटी की जो परीक्षा है, ठीक है, एनुअल सिस्टम, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ था उसमें कि वो 4 जनवरी से होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कोई अभी तक नोटिस नहीं आया हुआ है, जैसे ही कोई आएगा तो आपको तुरंत चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये अपडेट आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ और एक नई गाइडलाइन के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।